एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खुद करके देखें में। खुद करके देखें आपको कैसा लगता है, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। कमेंट्स करके बताया करें ज़रूर। हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं सभी। मैं अच्छी हूँ और ऐसा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, आज बैठे बैठे मन किया कि कुछ क्रोशे से बना के देखते हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आप लोग भी और बताइए आपको ये कैसा लगा। चलिए सबसे पहले ये देखिए, मैंने ऊन ली है और ये 12 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है, तो धागे को हम ऐसे उंगली पे लपेट लेंगे इस तरफ से, इतना रख लिया है। अभी क्रोशिये को हम इसका हुक अपनी तरफ रखेंगे ऐसे और इसको ऐसे घुमाएंगे। ये जो धागा पकड़ा हुआ है हाथ में छोटे वाला, इसके नीचे से घुमाएंगे और इसमें हुक में लेके ये धागा, और जो इसके ऊपर से हमने घुमाया है इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इसको। ये फर्स्ट ऐसे एक लग जाए गांठ, तो अभी ऐसे बनाते जाएंगे। चेन बनाएंगे सबसे पहले, ये देखिए ऐसे, ये वाला जो हमारा धागा है इसको पकड़ेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐसे निकालते जाएंगे, ऐसे निकालते जाएंगे। और उंगली से धागा उतारते जाएंगे ऐसे, देखिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए ऐसे निकाला, और ये धागा जब छोटा रह जाए तो इसको ऐसे घुमा दो उंगली को और ये उतर जाएगा, और इसको ऐसे घुमाते जाओ। ये देखिए, और ये देखिए, ये चेन बन के तैयार हो गई है। अभी इसी के ऊपर दूसरी चेन बनाएंगे, तो ये देखिए अब इस तरह से ये घुमा के और सेकंड चेन से निकालेंगे क्रोशिये को ऐसे, और इसको निकाल लेंगे ऐसे। फिर ये हमारे तीन फंदे हो गए हैं। अभी फिर से धागा घुमाएंगे ऐसे और इसके तीनों के अंदर से निकालेंगे ऐसे, फिर अगली चेन में से निकालेंगे ऐसे, और फिर तीनों में से निकालेंगे ऐसे ही, रिपीट रिपीट करेंगे। तो ये हमारा सिंपल जो फर्स्ट डिजाइन होता है वो तैयार होएगा बनके। अभी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई डिजाइन बना के दिखाऊंगे अगला। ये देखिए, ये इस तरह से बनता जा रहा है, थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ बड़ा। ये बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। इसमें हर चेन में से निकालना है, अगर हमें क्रोशिया चलाना आता है, जरा सा भी डिजाइन समझ आ जाए इसका, तो क्रोशे से बहुत जल्दी बनता है। और जैकेट, स्वेटर, टोपी, बच्चों के मोजे, अपने मोजे भी बना सकते हैं घर में पहनने के लिए।
ये देखिए, ये इसको मैं थोड़ा खींच देती हूँ, और ये देखिए, ये इस तरह से बनता जाएगा। थोड़ा सा और बना देती हूँ, दो दो स्टेप, दो लाइन बना के दिखाती हूँ आपको। बस उंगली से धागा उतारते रहो और क्रोशिया में से निकालते रहो। जब खत्म हो जाए तो फिर ऐसे लपेट लो उंगली का, और ये उंगली वाला थोड़ा टाइट रखो खींच के, क्रोशिया वाला थोड़ा लूज रखो, ताकि उसके अंदर से निकालने में परेशानी ना होए। और जब आप बिल्कुल नए हैं, अभी कम चलाना आता है, तो थोड़ा सा लूज लूज बना लो, बाद में जब चलाना आ जाएगा तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना लूज रखना है और कितना टाइट। शुरू में जब हम सीखते हैं तो अगर थोड़ा लूज रखें तो आसानी रहती है हमको सीखने में। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी एक लाइन बन के तैयार हो गई है। और अभी दोबारा ऐसे घुमाएंगे इसको, इसको यहीं से ऐसे घुमा देंगे और फिर ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट चैन से लिया इसको और फिर तीनों फंदे से निकाल लिया, बस। इसी डिजाइन से भी हम स्वेटर बना सकते हैं पूरी। क्या पता मैं इसी में कुछ बना लूं, तो आपको दिखाऊंगी। अगर कुछ बनाया तो अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसका मैं क्या बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये दो लाइन बनाई हैं आज। आपको ये समझ आया कि नहीं, कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और तो चलिए फिर, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिएगा।